नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं डिंबर की बड़ी खबरों की ओर। हनुमानगढ़ में पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फैसला सुनाया और दोषी युवकों को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 5,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह 12 दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। जयपुर DGP नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि मृतक के भाई महावीर मीणा की रिपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी समेत 8 लोगों पर सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड वीडियो में राम प्रसाद मीणा ने कहा था कि मुझे और परिवार को टॉर्चर और परेशान कर रहे। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि केवल तरह तरह की विज्ञप्ति जारी सरकार स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने अपने बजट भाषण में RTE की तर्ज पर कक्षा 9 से 12 तक की फ्री शिक्षा देने का वादा किया था। अब सरकार गाइडलाइन जारी कर अपने वादे से मुकर रही है। SDF को इसके पुख्ता सुराग उमेश पाल हत्याकांड के बाद कुछ कॉल रिकॉर्डिंग से मिले हैं। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में निर्माणाधीन सॉलिटियर वैली टाउनशिप में अतीक के भाई अशरफ की काली कमाई निवेश होने के प्रमाण भी SDF को मिले हैं। बागपत जनपद निकाय चुनाव को लेकर रालोद ने सोमवार को अपने प्रत्याशियों को चुनाव सिंबल वितरित कर दिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए बड़ौद और बागपत में अध्यक्ष पद पर चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। दरअसल इन दोनों ही सीटों पर पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करेगी। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम है। दूसरा अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में गुड्डू मुस्लिम है। दरअसल अशरफ के जो आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम था, वह गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या बताना चाहता था या राज अब हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। लेकिन चर्चा है कि गुड्डू ने अतीक को अंतिम समय में धोखा दिया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की शनिवार की रात में गोली मारकर हत्या करने के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आई। शौहर देवर की हत्या और बेटे के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद भी शाइस्ता किसी के जनाजे में शामिल होने नहीं पहुंची। IPL 2023 में चेन्नई और लखनऊ की टीम के बीच होने वाला दूसरा मुकाबला 4 मई की बजाय 3 मई को खेला जाएगा। पहले यह मैच 4 मई को होना था, लेकिन लखनऊ में इसी दिन नगरपालिका के चुनाव होने हैं, इस वजह से यह मैच एक दिन पहले 3 मई को खेला जाएगा। मैच के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह मुकाबला दोपहर 3:30 से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। PWD को 8,914 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट सरेंडर करना पड़ा। यह अब तक किसी एक वित्त वर्ष में सरेंडर हुई सबसे अधिक राशि है। इस मामले में बार बार जारी की गई शासन की चेतावनी भी बेअसर रही। अब शासन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अक्सर चर्चा में रहते हैं। किंग खान की फिल्मों के साथ साथ उनकी लाइफ स्टाइल और फैमिली लाइफ में भी फैंस के बीच चर्चा का विषय रहती है। यही वजह है कि शाहरुख खान का परिवार खुद लाइव लाइफ में रहता है। एक बार फिर सोशल मीडिया पर इस खान फैमिली की चर्चा हो रही है और इसकी वजह है शाहरुख खान का फैमिली फोटो जो गौरी खान ने शेयर किया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।